ब्रेकिंग न्यूज, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर आज की बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। इसी के साथ आपको बताते हैं फुल डिटेल में खबर। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लकी 25 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी एक लाइक कर दे। इसी के साथ दोस्तों आपको डिटेल में इस खबर को बताते चलते हैं कि यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया। राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48,00,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके साथ ही आगामी 6 माह के भीतर परीक्षा दोबारा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यह भी कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, दोषियों के खिलाफ कड़ी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसी से जुड़े मामले में आपको बताते चलते हैं कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में शासन ने कड़ा कदम उठाया है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को अध्यक्ष डीजी भर्ती बोर्ड का प्रभार भी सौंपा गया। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने आप सबको इस खबर को डिटेल में बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।